हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस अ काइंड ऑफ विंटर 2020 पेपर्स. ओके, जो भी कुछ आयुर्वेदिक जो स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर के, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर वीडियो है. विंटर 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे, हम हर एक सब्जेक्ट के विंटर 2020 के पेपर्स देखेंगे. ओके, तो ये स्वस्थ वृत्त सब्जेक्ट का आप देख सकते हो. स्वस्थ वृत्त पार्ट वन में क्या पूछा गया है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मंड पेया विलेपी. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन मार्क्स का क्वेश्चन है ये. राइट द डेफिनेशन ऑफ मंड पेया विलेपी. राइट ए नोट ऑन धारणीय वेग. राइट आहार एंड विहार इन डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज पेशेंट. और जिनको बीपी है या फिर जो प्रमेह से ग्रस्त हैं, उनका आहार और विहार क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखना है फॉर 3 मार्क्स. तो 1.5 मार्क्स फॉर डायबिटीज एंड 1.5 मार्क्स फॉर हार्ट डिजीज और यू कैन से हाइपरटेंसिव पेशेंट. बेनिफिट ऑफ नौलिक कर्म, देन डिस्क्राइब द अस्तेय एंड यमदंष्ट्रा. तो ये पर्टिकुलर 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. अगेन मैं रिपीट करूंगा, डेफिनेशन ऑफ मंड पेया विलेपी, नोट ऑन धारणीय वेग, आहार विहार इन डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज पेशेंट, बेनिफिट ऑफ नौली, अस्तेय और यमदंष्ट्रा. ओके, इच कैरी 3 मार्क्स. 5 मार्क्स के लिए देखिए, राइट टाइप ऑफ निद्रा अकॉर्डिंग टू चरक एंड बेनिफिट ऑफ निद्रा. देन सूर्य नमस्कार विधि एंड बेनिफिट्स. एक्सप्लेन टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मर्दना. ओके, देन वॉट इज नेचुरोपैथी एंड राइट इट नेसेसिटी. तो आपको उसके इंपॉर्टेंस एंड नेचुरोपैथी है क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. देन राइट प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पश्चिम उत्तानासन. ओके, तो ये सिंगल पश्चिम उत्तानासन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर आसन पूछ लेते हैं कभी भी 5 मार्क्स के लिए. शवासन है, पश्चिम उत्तानासन है, बहुत सारे ऐसे टाइप्स के आसन हैं. ओके, तो उनमें से पश्चिम उत्तानासन ये पूछा गया है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है. देन धूमपान विधि और उसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो आई एम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, इसलिए आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 लैंग्वेज में, एक इंग्लिश और एक मराठी लैंग्वेज. ओके, तो एक रीजनल लैंग्वेज है और एक कॉमन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज अवर इंग्लिश. ओके, देन ये देखिए, राइट विधि एंड बेनिफिट्स ऑफ धूमपान मैंने आपको बताया. देन टाइप ऑफ मेथड ऑफ मिल्क परीक्षण. 15 मार्क्स क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब दिनचर्या इन डिटेल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ, तो दिनचर्या इन डिटेल में आपका पूरा डिटेल वर्णन आएगा. ओके, काइंड ऑफ ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठे, तो वहाँ से लेकर आपका जो भी कुछ सद्यवृत्ति का जो पालन करना है, पूरा आपका इसमें दिनचर्या सविस्तार में आएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन आयुर्वेदा एंड एक्सप्लेन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट्स एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल्स इन न्यूट्रिशन. ये आपको डिटेल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी है ये, और वेरी इजी टू राइट और हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. डिस्क्राइब अ डेफिनेशन टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस एंड प्रिकॉशन टेकिंग ड्यूरिंग द प्राणायामा. देन राइट इंपॉर्टेंस ऑफ निसर्ग उपचार इन एशियंट एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ इट्स टाइप एंड राइट इंपॉर्टेंस टाइप ऑफ मृतिका चिकित्सा. ओके, मृतिका चिकित्सा मीन जो मर्ड थेरापिस्ट होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो यहाँ पे लिखना है. तो 15 मार्क्स कैरी, सॉरी इच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स. आप देख सकते हो स्वस्थ वृत्त पार्ट वन. लेट्स मूव टू द स्वस्थ वृत्त पार्ट टू. ओके, तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ वायु अकॉर्डिंग टू सुश्रुत. 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं. जनपद उद्वंस क्या होता है वो आपको लिखना है. वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है. आप यू ऑल नो वेरी वेल कि ये पर्टिकुलर हमारे जो कॉलेरा है. ओके, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं, वाटर बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न होते हैं. देन निवास योग्य भूमि, डेफिनेशन ऑफ संस्कार रोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. ओके, संक्रामक रोग, जैसे कि आप कोविड देख ही रहे हो, तो संक्रामक रोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसका डेफिनेशन वगैरह आपको लिखना है यहाँ पे. देन डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. ये देखिए, नेक्स्ट जाते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल 5 मार्क्स का है. अल्मा अत्ता डिक्लेरेशन, ओके 5 मार्क्स. गोनोरिया, आर्टिफिशियल लाइटनिंग, देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर मेथड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एंड लास्टली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज WHO. तो ये हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, तो डायरेक्टली WHO करके ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. यूनिसेफ, UNICEF डायरेक्ट देते हैं, या फिर यूनेस्को दे देगा, तो ऐसे कुछ दे देते वो. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पूछा गया है. तो डेमोग्राफिक साइकिल, अलमाता डिक्लेरेशन, गोनोरिया, आर्टिफिशियल लाइटनिंग, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर मेथड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इच कैरी द 5 मार्क्स. ओके, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए, परिवार कल्याण रिलेटेड ये क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द रिटेल, देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज फॉर द फीमेल्स अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. तो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यू ऑल नो वेरी वेल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है. ओके, अ काइंड ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइसेस हैं, बैरल मेथड्स हैं,
तो आप डेफिनेटली आप इसको एलोबरेट कर सकते हो. डिस्क्राइब हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट इन डिटेल्स. व्हाट इज अपद्रव्य और वेस्ट एंड वेरियस मेथड फॉर इट डिस्पोजल. तो बहुत सारे इसके मेथड्स बताए गए हैं. देन डेंगू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इट्स कॉसेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर इन डिटेल. तो ये देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. तो वी कंप्लीटेड द स्वस्थवृत्त, लेट्स मूव टू द अगत तंत्र. राइट द विषय गुण, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. विषय के कौन कौन से गुण होते हैं, डेफिनेशन ऑफ विष, विषदाता के कौन कौन से लक्षण होते हैं, टाइप ऑफ इंडियन कोर्ट एंड देयर पावर, एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन द पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड द एंटीमार्टम लिविडिटी. देन डाउरी डेथ. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पर्टिकुलर विंडेट 2020 में आया है. विष के गुण, डेफिनेशन ऑफ विष, विषदाता के लक्षण, टाइप ऑफ इंडियन कोर्ट एंड देयर पावर, राइट द डेफिनेशन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड एंटीमार्टम लिविडिटी. लेट्स मूव विद द 5 मार्क्स क्वेश्चन. राइट द ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजन. आर्सेनिक पॉइजन है, ओके. राइट द सिम्टम एंड मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ जयपाल पॉइजन. तो जितने भी विष होते हैं ना, आप एक बार उसको गो थ्रू मार लो. बहुत सारे विषय रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते जाते हैं. कभी 5 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मार्क्स, 15 और 3 मार्क्स, तीनों में रहता है. तो जो इतना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली तो उसमें उसको हमें इंपॉर्टेंस देना ही चाहिए. तो नेम द साइन ऑफ डेथ एंड राइट चेंजेस इन आइस, ओके. राइट द फॉर्म एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेब वुंड्स. राइट द फॉर्म यानी टाइप्स एंड मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैब वुंड. राइट द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कॉर्पियल पॉइजन, ओके. स्कॉर्पियन पॉइजन का आपको ट्रीटमेंट एंड सिम्टम्स क्या क्या करता है स्कॉर्पियन, वो वहाँ पे लिखना है. राइट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द टैटो मार्क्स एंड द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ द अबॉर्शन. तो ये इच कैरी द 5-5 मार्क्स, ओके. एक बार फिर से देख लेते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजन 5 मार्क्स के लिए पूछा गया ये. तो पर्टिकुलरली जो भी कुछ मेटल हमारे जो रहते हैं ना, डी पेनिसिलामाइन है, ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर चिलेटिंग एजेंट होते हैं, उसका यूज़ हमें करना है इस पर्टिकुलर पॉइजन को ट्रीट करने के लिए. तो उसका ट्रीटमेंट किस वे में होता है, किसका यूज़ करते हैं, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है. देन मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ जयपाल पॉइजन एंड इसका सिम्टम्स. साइन ऑफ डेथ आपको लिखना है. फॉर्म एंड मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैब वुंड. देन सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कॉर्पियन पॉइजन एंड टैटो मार्क्स, ओके. डेफिनेशन ऑफ एंड टाइप ऑफ अबॉर्शन 15 मार्क्स में. देखिए धतूरा पूछ लिया डिटेल में, फैटल डोज, फैटल पीरियड, पॉइजनस सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द धतूरा. देन अलर का विष पूछा हुआ है. उसके पहले देखिए, राइट द सिम्टम्स एंड मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द एसफिक्सियल डेथ. अगेन ए डिटेल वीडियो ऑलरेडी हैव अपलोडेड माय चैनल. देन राइट द डेफिनेशन ऑफ रेप एज पर द आईपीसी सेक्शन 375 एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ओके. तो दो वे में आता है, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड. तो डेफिनेशन ऑफ रेप ये सेक्शन 375 में ये डिफाइन किया गया है. लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखिए प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग पार्ट 1 में हम आ गए हैं. तो राइट ये देखिए, राइट डाउन फंक्शन ऑफ लिकर यानी कि एमनेटिक फ्लूड के आपको फंक्शन लिखना है, क्या क्या फंक्शन करता है वो. राइट इंग्रेडिएंट, डोज एंड यूजेस ऑफ प्रताप लंकेश्वर रस एंड राइट डाउन द गर्भ उपघातकर भाव. अगेन ये जो टॉपिक है गर्भ उपघातकर भाव, यानी कि गर्भ को ट्रामा करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर है या फिर ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ है जो एक प्रेग्नेंट फीमेल करती है, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गर्भ उपघातकर भाव बोलते हैं, ओके. यानी कि गर्भ को ट्रामा पहुंचाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आया है, बट डिस्क्राइब सद्योग्रहित गर्भणी लक्षणा, ओके. सद्योग्रहित गर्भणी लक्षणा यानी कि जो प्रेगनेंसी जो फीमेल्स रहेंगे उनके कौन कौन से लक्षण होंगे, नॉजिया, वोमिटिंग वगैरह जो भी कुछ सिम्टम्स है आपको यहाँ पे मेंशन करना है. देन डिस्क्राइब फीटल पोजीशन इन यूट्रो. देन डिस्क्राइब टाइप ऑफ गर्भ व्यापद उपविष्टक, ओके. तो अलग अलग गर्भ व्यापद के पर्टिकुलर हमारे व्यापद गर्भ व्यापद होते हैं, मूढ़ गर्भ है, लीन गर्भ है, ओके, उपविष्टक गर्भ है. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. गूढ़ गर्भ भी है, मूढ़ गर्भ, गूढ़ गर्भ ऐसे दो अलग अलग है. मल्लक गर्भ है. तो पर्टिकुलर ये सभी क्या है, गर्भ व्यापद है, ओके. तो उसी में से पर्टिकुलर उपविष्टक गर्भ जो पूछा गया यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए. इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ जो रिटार्डेशन होता है उन्हीं को हम उपविष्टक बोलते हैं. तो ये देखिए डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ मूढ़ गर्भ यहाँ पे पूछा ही गया है. एपिस्टियोमी क्या होता है, एपिस्टियोमी क्या होता है वो यहाँ पे पूछा गया है. राइट डाउन कॉसेज एंड टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज. देन राइट डाउन गर्भणी पांडु, ओके, इट्स हेतु, साइन एंड सिम्टम विथ ट्रीटमेंट. देन डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एंटीमार्टम हिमरेजिस, प्लेसेंटा प्रिविया एंड जो एब्रेशियो प्लेसेंटा होता है वो यहाँ पे मेंशन करना है. डिस्क्राइब आरएच इनकम्पेटिबिलिटी. देन डिस्क्राइब डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ऋतुकॉल, ऋतुमती एंड रजस वाला, ओके. ये तीनों का आपको
अलग अलग से डिफाइन करना है, ऋतुकाल, ऋतुमती एंड रजस वाला, ओके। तो तीनों एक ही वर्ड है लेकिन अल्टीमेटली उनके जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो डिफाइन करने का जो तरीका है ना, वो अलग अलग है। तो ऑलरेडी मैंने एक ऋतु चक्र की वीडियो में उसको डिफाइन किया ही है। डिस्क्राइब गर्भणी परिचर्या विथ मान, ये देखिए मासिक गर्भवृद्धि। तो गर्भणी परिचर्या और मासिक गर्भवृद्धि ये 15 मार्क्स में कंबाइन करके पूछा गया, बट इसको सेपरेट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है। राइट डाउन इटोलॉजी टाइप साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हिमरेजिस एज पर आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। देन डिस्क्राइब टाइप साइन सिम्टम ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, तो टाइप साइन सिम्टम ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ, ये देखिए, सूतिकागार। ओके, सूतिका आगार। ओके, सूतिकागार मीन्स जो पर्टिकुलर पोस्ट प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं, पोस्ट डिलीवरी यानी कि आफ्टर द पर्टिकुलर डिलीवरी वाली जो फीमेल्स होती हैं, उनको कहाँ पे रहना, उनका होम कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना एज पर आवर आयुर्वेदा। एंड डिस्क्राइब सूतिकागार अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस एज वेल। देन देखिए पार्ट टू में प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग में देखिए, राइट डाउन साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्तव क्षय। ओके, देन डिस्क्राइब, ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। डिस्क्राइब टाइप ऑफ बंध एंड अकॉर्डिंग टू हारित। ओके, हारित संहिता में बंध के कितने टाइप है मेंशन करना है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसमेनोरिया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। देन डिस्क्राइब शुक्र दोष, राइट डाउन कंटेंट डोज एंड यूज ऑफ पुष्यनुग चूर्ण। ओके, पुष्यानुग जो चूर्ण को आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कंटेंट डोज एंड यूजेस लिखना है। तो प्रताप लंकेश्वर रस था पर्टिकुलर पार्ट टू में, पार्ट वन में। पार्ट टू में देखिए पुष्यानुग चूर्ण पूछा हुआ है। देन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली प्लानिंग, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, फैमिली प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ही ईजी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड रहती हैं, एंड दैट्स वाई जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो नहीं होना चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है। देन राइट डाउन कॉसेज एंड चिकित्सा ऑफ रक्त प्रदर। PCPNET एक्ट क्या होता है, प्री कॉन्सेप्शनल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट क्या होता है, ये आपको 5 मार्क्स लिए पूछा गया है। कॉसेज एंड चिकित्सा ऑफ रक्त प्रदर, इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। डिस्क्राइब यूनि धावन। देन राइट डाउन टाइप्स एंड सर्वाइकल कॉटरेशन डिटेल। राइट डाउन कॉसेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्तन तिलक। ओके, एंड एक्सप्लेन यूट्राइन साउंड एंड डाउन, देखिए डाइंस रिट्रैक्टर विद डायग्राम एंड HIV यहाँ पे पूछा गया है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके,